सबसे पहले जो वैवाहिक जीवन को तोड़ने में जो ग्रह रोल निभाता है, भूमिका अदा करता है, उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि। वैवाहिक जीवन तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका जो ग्रह निभाता है वो शनि है। अगर शनि का संबंध विवाह के मामले से हो या इसके ग्रह से हो तो शादी जरूर टूटती है। और शनि अगर शादी तोड़ने का कारण बनता है तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। कभी लड़की के ससुराल वाले, कभी लड़की के मायके वाले, कभी लड़के के घर वाले शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। और यहाँ जब संबंध टूटता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। कभी कभी शादी के 15-15, 20-20 साल के बाद भी शादी टूट जाती है। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो रोज सवेरे शिव जी को जल चढ़ाएं और हर शनिवार को लोहे की कटोरी में या लोहे के बर्तन में भर करके सरसों के तेल का दान करें, आपको लाभ होगा। दूसरा जो ग्रह शादी तोड़ता है या तोड़वाता है उसे कहते हैं मंगल, मार्स। वैवाहिक जीवन में शादी टूटना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी टूटने के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया, पति पत्नी के बीच में मारपीट होने लगी, तो इसके पीछे मंगल होता है कि पति ने पत्नी को ब्रूटली मारा या पत्नी ने ही पति को मार दिया जोर से। अगर ये हिंसा आ गई विवाह में तो इसके पीछे मंगल होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्दी भंग हो जाते हैं। यानी यहां शादी होती है, 2-4 महीने चली, झगड़ा लड़ाई हुआ और शादी टूट गई। इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी तुरंत पहुंच जाता है। इसमें मामला बहुत जल्दी मुकदमेबाजी तक आ जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार का उपवास रखिए। आप महिला हैं, आपके वैवाहिक जीवन में मंगल वाली दिक्कत है तो आप उपवास रखिए, पुरुष हैं तो आप उपवास रखिए मंगलवार का। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए। और अगर मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो लाल रंग का प्रयोग कम से कम करिए।